दोस्तों हमेशा की तरह मैं आप लोगों के लिए कुछ नया लाते रहता हूं, ये नहीं बताऊंगा क्या क्या लाते रहता हूं, उसके लिए वीडियो पर जाइए और मेरा चेक कीजिए कि कौन कौन सा जानकारी आप लोगों को मेरे द्वारा मिलते रहता है। आज बात करूंगा दोस्तों इंस्टाग्राम के बेहतरीन फीचर्स के बारे में जो लगभग नहीं के बराबर लोगों को पता है, यानी कि आप बोल सकते हैं बहुत सारे लोगों को नहीं पता है ये फीचर के बारे में। जानकारी दे दूं दोस्तों, एक स्वाइप अप फीचर है इंस्टाग्राम का जो 10,000 यानी कि 10K फॉलोअर्स होने के बाद मिलता है। उसी तरह का ये बेहतरीन फीचर है अगर आपके फॉलोअर्स 0 हैं, 50, 100, 1000, 10,000 जो भी हैं, 0 भी हैं तो ये भी आप फीचर का लाभ उठा सकते हैं। बेहतरीन फीचर है। इस फीचर में दोस्तों आप अपने YouTube वीडियो का लिंक को लगा सकते हैं और उस लिंक पर क्लिक करने पे डायरेक्टली वो YouTube वीडियो प्ले हो जाएगा। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं सन्नी कुमार और आप देख रहे हैं ज्ञान विद सन्नी चैनल को। तो चलिए दोस्तों वीडियो को स्टार्ट करते हैं। दोस्तों जानकारी के लिए बता दूं, अगर आपने इंस्टाग्राम को YouTube अपडेट कर लिया यानी कि अपडेटेड वर्जन आप यूज कर रहे हैं, अगर मिल गया है ये फीचर्स तो इट्स ओके। लेकिन दोस्तों अगर मैं आप लोगों को बता दूं कि अगर आपने इंस्टाग्राम अपडेट कर लिया है और ये फीचर आपको नहीं मिला है तो उसका भी मैं प्रोसेस पूरी डिटेल से बताऊंगा स्टेप बाय स्टेप कि वो फीचर किस तरह से आपको मिल सकता है। दोस्तों जानकारी के लिए बता दूं, यानी कि अपने मोबाइल स्क्रीन पर ले जाने से पहले मैं आप लोगों को बता दूं कि ये स्वाइप अप से अच्छा तो नहीं लेकिन बहुत ही अच्छा बोल सकते हैं फीचर है। अगर आप लोग यूज करते होंगे तो स्वाइप अप 10K पर मिलता है, ये आपको 0 फॉलोअर्स पर मिलता है। एक क्लिक कीजिए डायरेक्टली YouTube वीडियो के लिंक पर आप जा सकते हैं। तो चलिए दोस्तों वीडियो को स्टार्ट करते हैं। दोस्तों सबसे पहले मैं आपको दिखाऊंगा कि आपके इंस्टाग्राम पर वो स्टोरी पर लिंक आ रही है या नहीं। इंस्टाग्राम को मैं ओपन कर रहा हूं, उसके बाद योर स्टोरी पर आपको जाना है। आप देख सकते हैं मैं भी वहां पर क्लिक करने वाला हूं। जिस तरह से मैंने क्लिक किया आपको भी उसी तरह से योर स्टोरी पर जाकर अपने गैलरी से फ़ोटो को पिक करना यानी कि लेना है। जैसे मैं अमेजोन वाला फ़ोटो ले रहा हूँ, यहाँ पर मैं कोशिश कर रहा हूँ कि मैं YouTube वीडियो का लिंक लगाऊँ जिस पर मैंने वीडियो बनाया है। आप देख सकते हैं राइट कॉर्नर पे तीसरे से मैंने क्लिक किया है, राइट साइड से तीसरा। आप देख सकते हैं यहाँ पर लिंक का ऑप्शन यहाँ पे शो नहीं कर रहा है। तो अब मैं आप लोगों को बताऊँगा कि क्या प्रोसेस होती है लिंक लाने के लिए। दोस्तों अब आपको सीधे गूगल के प्ले स्टोर पर जाना है, वहाँ पर इंस्टाग्राम को टाइप करनी है और इंस्टाग्राम लिखकर सर्च करना है। उसके बाद आपको इंस्टाग्राम के लोगों पर क्लिक करनी है। उसके बाद आप नीचे स्क्रॉल करके आएंगे, देखेंगे ज्वाइन द बेटा, यानी कि देख सकते हैं उसके नीचे ट्राई न्यू फीचर्स बिफोर दे आर ऑफिशियली रिलीज्ड एंड गिव योर फीडबैक टू द डेवलपर। आपको वहाँ पर ज्वाइन बटन पर क्लिक कर देनी है, ज्वाइन बेटा प्रोग्राम। आप देख सकते हैं वहाँ पर मैंने भी ज्वाइन पर क्लिक किया है, आपको भी दोस्तों इसी तरह से क्लिक करनी है ज्वाइन बटन पर। आप दोस्तों देख सकते हैं एडिंग योर अकाउंट टू द प्रोग्राम इफ मे टेक अ फ्यू मिनट, इसमें कुछ समय लगता है, 5 से 10 मिनट का समय लगता है। कभी कभी ये इंटरनेट पर डिपेंड करता है और जल्दी भी हो जाता है। अब दोस्तों मैं आपको इंस्टाग्राम अपडेट करने की प्रोसेस बता रहा हूँ। आपको नॉर्मली गूगल प्ले स्टोर पे इंस्टाग्राम लिखना है और सर्च करना है। आप देख सकते हैं मैं भी इंस्टाग्राम लिखकर सर्च करने वाला हूँ और अपने इंस्टाग्राम अकाउंट को आपको भी अपडेट करनी है। देख सकते हैं वहाँ अपडेट का आ गया, तो आपको भी अपडेट कर देनी है दोस्तों। अगेन दोस्तों ये इंटरनेट की स्पीड पर डिपेंड करता है। आप देख सकते हैं ये अपडेट हो चुका है और पेंडिंग प्रोसेस बता रहा है, तो अब इसे अपडेट होने देते हैं, लेट्स सी। अब वापस से मैंने इंस्टाग्राम ओपन किया और राइट कॉर्नर से तीसरे पर जाकर देखा जहां पर म्यूजिक ऑप्शन आता है, हैशटैग या @, अभी तक मुझे लिंक का फीचर नहीं मिला है। इसका आपको स्क्रीनशॉट ले लेना है जैसा कि मैंने लिया, आप देख सकते हैं। अब दोस्तों मैं आपको बताऊंगा कि इसके आगे स्क्रीनशॉट लेकर क्या करनी है। तो अब मैं आपको दिखाने जा रहा हूं कि इंस्टाग्राम पर आपको अपने प्रोफाइल पर जाना है, वहां पर मैं आपको लेके जाने वाला हूं। आप देख सकते हैं स्क्रीनशॉट सेव हो चुका है, मैं बैक कर रहा हूं और आपको अपने प्रोफाइल पर यहाँ पर जाना है। उसके बाद दोस्तों राइट कॉर्नर पर आपको क्लिक करनी है जहाँ पर सेटिंग का ऑप्शन आता है। आप देख सकते हैं वहाँ पर मैं क्लिक करने वाला हूँ, आपको भी उसी तरह से क्लिक करनी है। उसके बाद आपको हेल्प पर जाना है। आप स्क्रॉल करके देखेंगे वहाँ पर हेल्प का एक ऑप्शन आएगा, आप देख सकते हैं नीचे में हेल्प का ऑप्शन है, वहाँ पर आपको क्लिक करनी है जैसा कि मैंने किया है। उसके बाद रिपोर्ट अ प्रॉब्लम पर आपको क्लिक करनी है, आप देख सकते हैं। उसके बाद एक और पॉपअप आएगा, उसमें भी आपको रिपोर्ट अ प्रॉब्लम पर क्लिक करनी है जैसा कि मैंने किया है। उसके बाद दोस्तों कुछ इस तरह का पेज आपके सामने ओपन होकर आएगा, वहाँ पर लिखने का मैसेज देगा कि आप अपने रिपोर्ट को प्रॉब्लम को लिखिए। तो वहाँ पर आपको साधारण शब्दों में लिखना है लिंक ऑप्शन इज नॉट शोइंग। उसके बाद ये मैसेज को लिखकर आपको गैलरी के बटन पर क्लिक करनी है, टैब पर। वहाँ पर आपको जो आपने स्क्रीनशॉट लिया था उसको आपको यहाँ पर लगा देना है।
मैसेज टाइप करने के बाद और स्क्रीनशॉट लेने के बाद दोस्तों आपको सबमिट के बटन पर क्लिक कर देनी है। आप राइट कॉर्नर पर देख सकते हैं, वहाँ पर सबमिट आपको दबा देनी है। उसके बाद इस तरह का मैसेज आएगा, थैंक यू, योर फीडबैक हेल्प मेक इंस्टाग्राम बेटर फॉर एवरीवन। दोस्तों इतना करने के बाद 5 मिनट के अंदर आपको लिंक का ऑप्शन मिल जाता है। आप अपने YouTube वीडियो के लिंक को लगा सकते हैं और अपना चैनल ग्रो कर सकते हैं, व्यूज़ बढ़ा सकते हैं, सब्सक्राइबर गेन कर सकते हैं। बहुत एक अच्छा ऑप्शन है Instagram के थ्रू अपना चैनल ग्रो करना। अब दोस्तों मैं आपको दिखा रहा हूँ कि आप लिंक कैसे लगाएंगे। स्टोरी पर जाना है, गैलरी से अपना फ़ोटो लेना है, यानी कि मैं अपना फ़ोटो ले रहा हूँ अमेजोन वाला, उसका लिंक मैं लगाने वाला हूँ अपने यूट्यूब वीडियो का। राइट कॉर्नर से तीसरे पर आपको क्लिक करनी है, आप देख सकते हैं दाएँ से तीसरा टॉप पर जो है लिंक का ऑप्शन आ गया। आप अपने यूट्यूब वीडियो का लिंक कॉपी करके पहले से रख लें और यहाँ पर पेस्ट कर दें। लिंक के टैब पर बटन दबाने के बाद यहाँ पर अपना यूट्यूब वीडियो का लिंक पेस्ट कर दीजिए और डन कर दें। दोस्तों आप जैसे ही पेस्ट करके डन करेंगे तो वहाँ आप देख सकते हैं youtube.utu.b का ऑप्शन आ गया। उस पर क्लिक करने के बाद डायरेक्ट YouTube वीडियो आपका ओपन हो जाएगा। अब मैं कुछ म्यूजिक या एरो लगाने वाला हूँ। एरो का मैं साइन सर्च कर रहा हूँ, एरो का आप देख सकते हैं बहुत सारे एरो के फ़ोटो आ गए। अब उसमें से दोस्तों जो आपको एरो पसंद है आप ले सकते हैं। जैसे मैं वो येलो वाला लेने वाला हूँ, आप देख सकते हैं मैंने येलो वाला ले चुका है। और उस पर आपको देख सकते हैं मतलब YouTube वीडियो का जो आपने लिंक लगाया ऑप्शन उसके सामने रख दीजिए। ये देखने में थोड़ा सोवर लगता है, अच्छा लगता है। आप देख सकते हैं मैंने उसे थोड़ा तिरछा भी कर दिया, टेढ़ा जिसे बोलते हैं। अब दोस्तों इसमें थोड़ा सा और रंग डालने के लिए, यानी कि थोड़ा सा और अच्छा दिखने के लिए मैं उसे म्यूजिक का लगा रहा हूँ, अपने पसंद का म्यूजिक। आपको भी जो म्यूजिक पसंद है आप लगा सकते हैं, आप लोगों को ये चीज़ पता होगा ऑलरेडी। यहाँ पर दोस्तों आप अपने मन पसंदीदा म्यूजिक को ऐड कर सकते हैं, थोड़ा सा स्टोरी को अच्छा दिखाने के लिए या दिखने के लिए, जो भी बोले आप। तो यहाँ पर से मैंने अपना पसंदीदा म्यूजिक को ऐड कर दिया है, आप देख सकते हैं ये प्रोसेस हो रहा है। उसके बाद मैंने ऐड पर क्लिक कर दिया म्यूजिक के, यानी कि म्यूजिक को ऐड कर दिया। यहाँ पर थोड़ा और अच्छा लगता है, ये जो भी आपके स्टोरी को देखेंगे तो उनको थोड़ा म्यूजिक के साथ लिंक देखने को मिलेगा। और इस लिंक पर जैसे वो क्लिक करेंगे आप देख सकते हैं स्टोरी लगाने के बाद जो भी आपके स्टोरी को चेक करेंगे वहाँ पर आप देख सकते हैं लिंक का एक प्रॉपर ऑप्शन आएगा। और उस लिंक पर जो भी आदमी यानी कि जो भी व्यूअर्स आपके क्लिक करेंगे तो डायरेक्टली आपका यूट्यूब वीडियो ऑन हो जाएगा। आप देख सकते हैं में समय लगता है, ये इंटरनेट की स्पीड पर, आपके नेट की स्पीड पर डिपेंड करता है। आप देख सकते हैं दोस्तों ये स्टोरी मेरा लग चुका है, आप देख सकते हैं यहाँ पर ये प्रोसेस ले रहा है। उसके बाद दोस्तों अगर मैं स्टोरी को व्यू करता हूँ, मैं आपको एग्जांपल के तौर पे दिखा रहा हूँ, वहाँ पर YouTube मतलब .be लिखा हुआ विजिट लिंक आप देख सकते हैं वहाँ पर। अब इस लिंक पर मैंने क्लिक भी कर दिया आप लोगों को दिखाने के लिए कि ये लिंक कैसे ओपन होता है यूट्यूब वीडियो का। तो डायरेक्टली देख रहे हैं आप यूट्यूब मतलब गूगल के पेज पर ये जाएगा और youtube.com ओपन हो जाएगा। और दोस्तों जिस भी वीडियो का आपने लिंक लगाया है वो वीडियो ऑटोमेटिक प्ले हो जाएगा और आपके व्यूअर्स डायरेक्टली देख पाएंगे। आप देख सकते हैं एक व्यूअर्स को भी अपने कंटेंट से अपडेट करने का ये बहुत ही अच्छा तरीका है। यहाँ पर वीडियो प्ले हो गई। उम्मीद करता हूँ वीडियो आप लोगों को अच्छी लगी हो और कुछ नया सीखने को मिला होगा। मेरे द्वारा चैनल पे पहली बार आए हैं, वीडियो इसको पहली बार देख रहे हैं, सब्सक्राइब कर दीजिए, टोटली फ्री ऑफ कॉस्ट है। मुझे आपसे हमेशा लाइक चाहिए होता है तो हिट लाइक कीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा लाइक कीजिए और शेयर कीजिए। चलिए दोस्तों मिलता हूँ अगले वीडियो में कुछ और जानकारियों के साथ, तब तक के लिए कीप ज्ञान, स्टे सेफ, जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।